जिनके घर में भी बच्चे नहीं हैं, जिनके घर में बच्चे हैं पर दुखी हैं, जिनके बच्चे बीमार रहते हैं, जिनके बच्चों की सेवा व्यवस्था ठीक नहीं है, माता पिता सब बच्चों को लेकर परेशान हैं उनकी व्यवस्थाओं के लिए, अगर आज की भगवान की ये बाल लीलाएं श्रवण हम कर लेते हैं तो हमारे बाल गोपाल सुखी संपन्न हो जाते हैं। आज की कथा का ऐसा फल होता है। तो आज ये कथा आपके बच्चों के लिए समर्पित भाव से है। बच्चों का बचपन खेलते कूदते धर्म के साथ बड़ा हो, उसके लिए भगवान की ये धर्म लीलाएं हैं और इन लीलाओं का ही प्रभाव हमारे बच्चों पर पड़ता है, हमारे ऊपर, हमारे परिवार पर और हमारे भाग्य पर पड़ता है। भाग्य की रेखाएं बदलती कैसे हैं, तो वैसे ही पुरुषार्थ से, ऐसे पुण्यों से बदल जाती हैं। देखो, नदियों में जब बाढ़ आती है तो पानी का बहाव ज्यादा होने के कारण वो अपने आप नए नए रास्ते खोज लेता है, और जहां भी कोई धरती का कोई कोना बाढ़ के उस प्रवाह को रोकने की कोशिश करता है, पानी उसे काट डालता है और एक बहुत बड़ा पात्र पानी का बन जाता है जिसमें पानी बहकर सागर में मिल जाता है। जब आपके पुण्यों की बाढ़ आएगी, सत्कर्मों की बाढ़ आएगी, शुभ कर्मों की बाढ़ आएगी, तो आपका जो फूटा हुआ भाग्य है वो भी जुड़ जाएगा और सीधा परमात्मा से मैच करेगा, भगवान के चरणों में जाएगा, और जो वहां चला गया, जो मिल गया, वहां सब कुछ अच्छा हो जाता है। फिर भाग्य दुर्भाग्य नहीं रह जाता। इसलिए गोस्वामी लिखते हैं, राम से अधिक राम के दासा। राम जी से भी ज्यादा महिमा राम के दासों की है, राम के अनुयायियों की है, राम भक्तों की है। भगवान को मानने वाले का प्रभाव अधिक है भगवान से। भक्त के बिना भगवान जगत में है ही नहीं। भक्त है तो ही भगवान है जगत में। बंधुओं, ये ध्यान रखें, इसलिए आपकी महिमा बहुत ज्यादा है। अभी हम भक्तों की महिमा गा रहे थे ना, इसलिए वो भजन आ गया तो उसे गा लेते, नहीं तो वो डूब जाएगा इधर उधर। भगवान के बारे में अनेक ऋषि मुनि संत साधु रसिकों ने ये बात कही है जो भजन में लिखी है। अरे बस में होते आए रे भगवान भगत के बस में, बस में होते आए भगवान भगत के बस में, बस में होते आए रे भगवान भगत के बस में, बस में होते आए रे भगवान भगत के बस में, बस में होते आए रे भगवान भगत के बस में, बस में होते आए रे भगवान भगत के, बस में होते आए रे भगवान भगत के बस में, बस में होते आए रे भगवान भगत के बस में।
आए रे भगवान भगत के बस में, बस में होते आए रे भगवान भगत के बस में, बस में होते आए रे भगवान भगत के बस में। गोपाल जी आप ऊपर आइए थोड़ा, बस में होते आए रे भगवान भगत के बस में, बस में होते आए रे भगवान भगत के बस में, बस में होते आए रे भगवान भगत के बस में, बस में होते आए रे भगवान भगत के बस में। बस में द्रौपदी के बस में, मीरा के बस में द्रौपदी के बस में, मीरा के बस में द्रौपदी के बस में, मीरा के बस में द्रौपदी के बस में। साग बिदुर घर खाए रे भगवान भगत के बस में, साग बिदुर घर खाए रे भगवान भगत के बस में, बस में होते आए रे भगवान भगत के बस में, बस में होते आए रे भगवान भगत के बस में, बस में होते आए रे भगवान भगत के बस में, बस में होते आए रे भगवान भगत के बस में, आए रे भगवान भगत के बस में, बस में होते आए रे भगवान भगत के, बस में होते आए रे भगवान भगत के बस में, हरि बोल। बस में होते आए रे भगवान भगत के बस में, नरसी के बस में सुधामा 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 के बस में। भील तो भिलनी खाए रे भगवान भगत के बस में, भील तो भिलनी खाए रे भगवान भगत के बस में, भगवान भगत के बस में, बस में होते आए रे भगवान भगत के बस में, बस में होते आए रे भगवान भगत के बस में, बस में होते आए रे भगवान भगत के बस में, बस में होते आए रे भगवान भगत के बस में, बस में होते आए रे भगवान भगत के बस में, ओ बस में होते आए रे भगवान भगत के बस में, बस में होते आए रे भगवान
आज भगवान की कथा में ही अपना चित्त लगाइए। श्रीमद् भागवत कथा भगवान की बाल लीला, आज गोकुल में जो हो रहा है वो कल आपको पता चला कथा में। मथुरा में दुख, गोकुल में सुख, शहर में ज्यादातर सुख पाया जाता है, गरीबी दुख दर्द पीड़ा ये सब गांव में होते हैं, पर श्रीमद् भागवत कथा में उल्लेख है कि शहर मथुरा दुखी है और गोकुल सुखी है। ऐसा था नहीं, पहले गोकुल दुखी था और सारे आनंद मथुरा में थे, पर सच्चिदानंद मथुरा छोड़कर गोकुल में गए तो गोकुल में आनंद हो गया और मथुरा सूना हो गया, सुख से भंडार खत्म हो गया। आवश्यकता है, आनंद चाहिए, सुख चाहिए, मौज मस्ती चाहिए, अच्छा जीवन चाहिए, तो ये भागवत ये सिखा रही है कि इन सब का पालक परमात्मा है, भगवान है, और इन सब का पालक परमात्मा है, इसीलिए वहां आज आनंद है गोकुल में और मथुरा में आज दुख है। आए कहां थे परमानंद सच्चिदानंद, परब्रह्म परमात्मा का अवतरण हुआ मथुरा में, पर तनक सी देर भी नहीं ठहरे मथुरा, सीधे गोकुल चले गए। क्यों नहीं ठहरे? क्योंकि जिनके निमित्त आए थे वो तो अच्छे थे, वसुदेव और देवकी, पर वो तो बंधन में थे। पर मथुरा के बाकी जो सदस्य हैं, मथुरावासी, कंस के प्रभाव के कारण सबके सब दुर्जन हो गए थे। कोई श्रेष्ठ जन उस समय मथुरा में वास नहीं कर रहा था, सब मथुरा छोड़ के चले गए थे श्रेष्ठ जन, और जो कंस के हितेशी थे, कंस के मानने वाले थे, दुर्जन विचार के, दुष्ट विचार के, वह सब मथुरा में बसे थे। और उस समय किसी को भगवान नहीं चाहिए था, सबको कंस चाहिए था भगवान के रूप में। क्यों? समय समय का खेल है और समय समय की बात। कोई समय पे दिन बड़ा और कोई समय पर रात, कि राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। ये किसी के बस में नहीं है। हम और आप कितना भी बलवान हो जाएं, ताकतवर हो जाएं, पर ये समय का जो चक्र है ये हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए कंस का जो बल है वो धरा का धरा रह गया। कंस रात दिन सो नहीं रहा है, खा नहीं रहा है, कंस का हंसना बोलना बंद हो गया। क्यों? कंस को एक बात इतनी सता रही है कि उसकी वजह से दिन रात चैन नहीं कंस को पड़ता है, और वो बात है आकाशवाणी की। योग माया ने शब्द जो बोल दिए थे कि तेरे मारने वाला पैदा हो गया है ब्रज में, अब कंस उसी चिंता में खाता पीता सोता जगता सब खराब हो गया। सेना है, बल है, कंस स्वयं भी बलवान है,
उसके बाद भी कंस का सब समाप्त हो गया, सुख शांति चैन छिन गया। क्यों? कहावत है समाज में कि चिंता जो है चिता से बढ़कर होती है। चिता एक बार जलाती है, भस्म करती है, समाप्त कर देती है, पर चिंता जो है न मरने देती है और न जीने देती है। कंस को चिंता लग गई और गोकुल में चिंता लगी थी पहले सबको कि यशोदा के घर में बालक आ जाए, पूरे गांव वासियों को चिंता लगी थी। आज गोकुल में क्या हो गया, सबकी चिंता समाप्त हो गई, सब चिंतन में लग गए, सब हरि गुण गाने लग गए, सब सेवा में लग गए। इसीलिए गोकुल में क्या हो रहा है, नंद घर आनंद भय जय कन्हैया लाल की, ये गोकुल में हो रहा है। और मथुरा में जो हो रहा है वो तो अब कथा में समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है मथुरा में। बिना कथा के समझ में नहीं आएगा कि मथुरा का हाल कितना बुरा है और गोकुल का हाल अब कितना अच्छा है। और एक ही रात का फर्क है, आप कल्पना कर लो। ये भागवत जी जब तक नहीं आई थी तुम्हारे इस गांव में तब तक यहाँ का हाल क्या था, और अब भागवत जी आ गई हैं तो देखो तुम्हारे गांव का क्या, क्षेत्र का भी हाल देख लो कैसा हो गया है। पूरा उत्सव हो रहा है चारों तरफ, कम से कम लोगों को कपड़ा पहनने का तो मौका मिला अच्छे अच्छे है, नहीं तो फिर आप सब समझते ही कैसे कपड़े में रहते हैं अपन घर में। पर कथा के बहाने से हंसने का मौका मिल रहा है, थोड़ा सा चमकने का मौका मिल रहा है, समय पे नहाने का मौका मिल रहा है, कितनी दिनचर्या बदल गई। नहीं तो आदमी ठंड में कहाँ टाइम टेबल पे नहाता धोता है, वो अपने टाइम से चलते रहता है। जब सूरज निकलेगा, धूप निकलेगी, तापमान आएगा, गर्मी सी आएगी तो नहा लेंगे। ऐसा कहाँ बारात में जाना नहा धो करके, आदमी सोच के छोड़ देता नहाना धोना, नहीं धूप निकली तो टाल देता है, कल नहा लेंगे कहाँ जाना है। पर भागवत की वजह से एक महात्मा आ गए हैं समाज में कुछ कहने, समाज में प्रवचन करने, उपदेश देने, तो उससे बड़ा माहौल अच्छा लगता है महाराज। लोग दौड़े चले आते हैं अपने घर से सीधा पांडाल की ओर, और इस पांडाल को मंदिर का रूप मानकर लोग पूजते हुए प्रवेश करते हैं, प्रणाम करते हुए प्रवेश करते हैं। पांडाल में जूता चप्पल पहन के आने में डर लगता है, अंदर से पाप लग जाएगा, भय लगता है। ऐसा माहौल स्थान बन जाता है भागवत जी के आने से। क्यों? गोकुल में भागवती तो गई है कृष्ण के रूप में, और ये भागवत के रूप में कृष्ण आए यहाँ, दोनों जगह सेम है। वहां भी सब देवता पधार गए थे और आज यहाँ भी सब देवता पधारे हुए हैं। अगर बिना देवता के कोई हर्ष, कोई आनंद, कोई सुख, कोई शांति, नाचना गाना ये सब कहाँ है? घर में रेडियो है, मोबाइल में गीत भरे, टीवी में गीत बजते हैं, पर घर में नाचना कहाँ मिलता किसी को? वहां कहाँ है कोई आदमी के दिल से नाचे कूदे, हर्षे फूले ना समाए। सुख हो के भी घर में हम लोग उत्सव कर नहीं पाते, और ये भागवत की कृपा है, हमारे गोपाल जी की पुण्या ही फल गई है, किसी जन्म का पुण्य उदय हो गया है उनकी पति पत्नी का और सभी सहयोगियों का। आज उस सबके वजह से ये आनंद क्षेत्र को प्राप्त हो रहा है, ये माहौल यहाँ बना हुआ है, और मैं चाहता हूँ कि ये माहौल कभी खत्म ना हो। ऐसे ही आप आनंद में रहें, हर्षित रहें, प्रसन्न रहें। सारे देवता गोकुल में पधारे हुए हैं और सब बारी बारी दर्शन करके जा रहे हैं लाला के।
नंद बाबा दोनों हाथों से दान कर रहे हैं। जो भी आ रहा है किसी भी समाज का, किसी भी जाति का, काम वाला हो, राजा हो, ब्राह्मण हो, देवता हो, साधु हो, सबको भर भर झोरी दान कर रहे हैं पुत्र के जन्म की खुशी में। कैसे भाग्य बदलता है बच्चे का, भाग्य में कभी भी उल्टी लकीरें न बने बच्चे के, और जो लकीरें उल्टी होंगी भी पिछले जन्मों के संस्कार के कारण, उन लकीरों को भी माता पिता चाहें तो सीधा कर सकते हैं, क्योंकि माता पिता जनक हैं बच्चे के, जन्मदाता हैं। इसलिए माता पिता उन भाग्य की टेढ़ी लकीरों को सीधा कर सकते हैं, जैसे नंद बाबा नियोजन कर रहे हैं। बच्चा पैदा हुआ, आज उत्सव है तो बच्चे के नाम से दान करते हैं, गैया पे गैया दान कर रहे हैं, सींग मणमा मणमा कर सोनों से, पैरों में सोने के खड़ुए डाल रहे हैं, और आचार्यों को, ब्राह्मणों को, पुरोहितों को गैया दान कर रहे हैं, गरीब बेजमीन को जमीन दान कर रहे हैं, धरती का दान कर रहे हैं, वस्त्र दान कर रहे हैं, अन्न धन दान कर रहे हैं, और सब देवता आकर चले गए प्रसाद लेकर के, और देवताओं ने जाकर के स्वर्ग में हल्ला मचा दिया कि हम तो हरि दर्शन कर आए, हम तो प्रभु दर्शन कर आए, हम तो बालक रूप का दर्शन कर आए। अब तो अप्सराएं भी मचलने लगी दर्शन को, देवता भगवान के दर्शन का सर्वत्र प्रचार कर रहे हैं कि भगवान बाल रूप में कैसे लगते हैं, उनकी आंखें कैसी हैं, उनकी नेत्र, उनके कान, उनकी बाहु, उनके पाद्य, उनकी कटी वस्त्र, उनकी कमर, उनके घुंघराले बाल कैसे हैं, बखान कर रहे हैं देवता। और इससे क्या होता है, इससे प्रसिद्धि प्राप्त होती है। कर्कस की आवाज है, ट्रबल कम कर देना थोड़ा, कुछ डाल दे उसमें इफेक्ट वगैरह। श्रीराधे श्रीराधे। आज महादेव को भी संदेश पहुंच गया, और जैसे ही महादेव को प्रशंसा मालूम हुई देवताओं के मुखारविंद से, तो महादेव एक पल भी देर नहीं कर रहे हैं, सीधे ब्रज में आ गए, श्री गोकुल में पधार गए महादेव, और गोकुल की गलियों से घूमते हुए पता पूछते पूछते नंद बाबा के महल में पहुंच गए। और आते ही महल में बाबा ने कहा कि रे गोपियों, दर्शन कराओ मेरे प्रभु के, मेरे हरि के, मेरे नारायण के। गोपियों ने बाबा कहा, बाबा यहां कोई हरि, कोई प्रभु, कोई नारायण नहीं है, यहां तो नंद के घर लाला का अवतार हुआ है, तुम कहीं भूल से आ गए हो गलत पते पर, यहां कोई प्रभु प्रभु नहीं है महाराज, जाओ कोई दूसरा गांव होगा वहां जाकर ढूंढो अपने प्रभु को। गोपियां भी जानती नहीं है कि शंकर भगवान जिसे कह रहे हैं प्रभु कौन है, वही प्रभु है, वही ब्रह्म है, पर वो बालक रूप में आए तो माताएं भी नहीं पहचान पा रही हैं। भगवान शंकर ने कहा कि देवी मैं तो दर्शन करने बड़ी दूर से पैदल चल के आया हूं, मेरी भावना को समझो, और तुम्हारे ही घर में बालक रूप में आए हैं मेरे परमात्मा। तब गोपियों को ध्यान आया, कहीं उस लाला की तो बात नहीं कर रहे बाबा। गोपी अंदर गई, यशोदा मैया को समझाया, यशोदा मैया ने कही कि अरे दर्शन का तो बहाना है, बाबा तो बधाई लेने आया है, दे दो असरफियां, दे दो सोने की, बाबा को सिक्के दे दो सोने के,
गोपियां सिक्का लेकर बाबा की झोली में डालने आई तो बाबा ने कहा, देवियों सोना चांदी हीरा मोती लेने नहीं आया हूं, मैं तो दर्शन पाने आया हूं। झोली झंगाड़ी मेरे पास कुछ नहीं है, और क्या तुम्हें मेरे स्वरूप और स्वभाव से लग रहा है कि मैं भिखारी हूं? हां मैं भिखारी हूं, तो केवल और केवल भगवान के दर्श स्पर्श का, मुझे प्रभु का दर्शन करा दो। यशोदा मैया ने देखा कि यह बाबा हट्टी है और जिद्दी है और बाबा का स्वरूप अच्छा नहीं है। गोपियों बाबा को समझा दो, बाबा परसों आना। आज लाला का दर्शन नहीं मिलेगा, जब आप परसों पधारेंगे तो दर्शन आ जाएगा और दर्शन प्राप्त हो जाएगा। बाबा आज लाला अंदर हैं कमरे में, परसों नहाने के लिए बाहर आएंगे आंगन में, तब गांव गोकुल के सभी पुरुष दर्शन करेंगे, तभी बाबा तुम्हारा दर्शन हो जाएगा। शंकर भगवान इतना विलंब दर्शन कैसे करें, वो तो बेताब हो रहे हैं। एक एक क्षण एक एक पल भगवान को भारी पड़ रहा है प्रभु के दर्शन के बगैर। क्यों? सच्ची श्रद्धा सच्चा भक्त इसी तरह तड़पता है प्रभु को देखने के लिए, भगवान को देखने के लिए इसी तरह तरसता है, इसी तरह तड़पता है। शंकर भगवान ने कहा, मैया दर्शन कराओ, मैं जाऊंगा नहीं, डेरा डाल दूंगा। तो शंकर ने डेरा ही डाल दिया, एक पैर पर खड़े होकर डमरू बजाने लगे, शंख बजाने लगे, और जैसे ही शंख बजा पालने में भगवान रोने लगे। सारी गोपियां दौड़कर लाला के पास पहुंची, मैया यशोदा को लेकर। क्या हुआ? अचानक बालक रोया तो रोया कैसे, सबने गोद में लिया पर बालक चुप नहीं होता। गोपियां आती जा रही हैं, बालक पे टोना टोटका करते जा रही हैं, नजर बजर उतारते जा रही हैं, पर मेरे लाला आज रोना बंद नहीं कर रहे हैं। गांव की सबसे वृद्ध माता, गोकुल की वृद्ध माता पूर्णमासी आखिर में मिलने आई, बुलाया था, आकर देखा, उसने निश्चित कर दिया कि तुम्हारे लाला को किसी की नजर लग रही है और कोई तुम्हारे लाला को इस समय निरंतर ध्यान कर रहा है, उसके कारण तुम्हारे लाला की नजर उतर नहीं पा रही है, इसलिए ध्यान करो। अब तो सब गोपियों में वार्ता चालू हो गई, अरे कैसे लग गई, किसकी लग गई, किसने लगा दी, कौन होगा, क्या होगा। तो एक भजन के माध्यम से आपको इस लीला का वर्णन करते हैं। सारी गोपियां भ्रम में पड़ गईं कि नजर लगी भी है तो किसकी लगी होगी, क्या पता, कन्हैया इतनी बुरी तरह रो रहे हैं, हे भगवान हमारे लाला की नजर बजर उतार दो, उसे शांत कर दो। कौन सीने मार दियो री टोना, अरे मेरो मचलो श्याम सलो। कौन सीने मार दियो री टोना, अरे मेरो मचलो श्याम सलोना। ओ कौन सीने मार दियो री टोना, अरे मेरो मचलो है श्याम सलोना। कौन सीने नारी मेरो मचलो श्याम सलोना, हाँ मचलो श्याम सलोना, सखीरी मचलो श्याम सलोना, मचलो श्याम सलोना।
चलो श्याम सलो चलो रुद्रपुर से यहां तक ताली बजाने के लिए आए क्या? खाली ताली बजाने आए क्या? बोल सतगुरुदेव भगवान Oh,
रुकियो रुकियो रुकियो, पीछे क्यों क्यों देख रहे हैं? सांप आ गो का लफड़ो है। ये आधा छोरी आधा छोरा को आगे भेजना रे जरा इसको। इतकु आ इतकु, यहाँ पे इतकु, तेरी मंडली में है बड़ो फायदा उठा रही है। उठा रो है कुर्ता पजामा पहन के, कबू छोरन में कबू छोरीन में। हाँ जब मुटरिया की तरह नाच के दिखा। हाँ उठो ना कौन
अंत ये हो गया कथा का कि भगवान रोना बंद नहीं करते। आखिर में यशोदा मैया को भगवान को लेके आना पड़ा। दिकौन सिने मार दियोरी तो ना मेरो मछलियो है श्याम सलोना। सखियों ने कहा अरे यशोदा दरवाजे पर जो महात्मा खड़े हैं उनके चरणों की धूल लाला के माथे पे लगा दे सब सही हो जाएगा। जिन बाबा को यशोदा मैया दर्शन नहीं करवाना चाहती थी आज लाला के कल्याण के लिए लाला के भलाई के लिए यशोदा मैया ने लाला को गोद में लेके भगवान महादेव के सामने रख दिया। शंकर भगवान ने प्रभु के चरणों को स्पर्श किया रोना बंद हो गया। नेत्रों की ओर निहार कर दर्शन किया तो प्रभु प्रसन्न हो गए हंसने लग गए। सारे गांव की गुजरियों ने गोलियों ने देखा कि महात्मा बहुत तपस्वी है चमत्कारी है। अरे देखो लाला के पैर क्या छुए लाला का रोना ही बंद हो गया। किसी ने सच कहा है कि टोने टोटके जादू छोना धागा ताबीज गंडे जब सब फेल हो जाए सुखी करने में तो एक संत का दर्शन कर लो सब कुछ शुद्ध हो जाता है। आज भगवान शिव तो भक्त बनकर आए थे राम से अधिक राम कहे दासा शिव दास बनकर आए तो आज भगवान की जो पीड़ा है वो दास ने मुक्त कर दी। भक्त के बगैर भगवान कभी प्रसन्न नहीं रह सकते। हमेशा भगवान को भक्त चाहिए प्यारे। व्यापार में दुकानदार को ग्राहक चाहिए पनिहारी को पानी चाहिए लोभी को धन चाहिए योगी को ध्यान चाहिए ऐसे ही भगवान को भक्त चाहिए नहीं तो प्रसन्नता नहीं आएगी। तो आपके बगैर भगवान को चैन नहीं है पर मुश्किल कहां है। आप भक्त नहीं है भगवान के ये मुश्किल है। घरवार पालना छोड़कर भक्त के लिए भगवान बाहर आ गए हमारे लिए तो दोनों ही भगवान है शिव भी और कृष्ण भी। पर इस लीला में महादेव भक्त बनकर आए हैं नारायण के कृष्ण जी के। भविष्यवाणी कर दी भगवान शिव जी ने अरे गोपियों ये जो नंद के लाला है ना ये त्रिकालदर्शी तीनों लोकों के अधिपति स्वामी हैं ये पार ब्रह्म परमात्मा है। शंकर भगवान चले गए अपने कैलाश को। गांव में गोकुल में घुचर पुचर चालू हो गई। गोपियां आपस में अपनी अपने घर आई तो बतराने लगी सास को जिठानी को पति को कि ऐसा बाबा कह के गया है कि नंद का लाला परमात्मा है नंद का लाला तीनों लोकन को नाथ है उस बाबा ने ऐसी भविष्यवाणी बताई है। तो जो समझदार है सज्जन लोग हैं सद्बुद्धि के लोग हैं वो तो मान गए कि महात्मा ने जो बताया है वो ठीक होगा। और जो तर्क बुद्धि के लोग थे उन्होंने कहा ऐसे बाबा भावा बहुत आते रहते हैं बहुत बताते रहते हैं कुछ नहीं होता ऐसे इंसान कैसे भगवान हो जाएगा। समय आने पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कथा में। ये जो नंद के लाला बनकर लीला कर रहे हैं ये ब्रह्म ही है कि मानव है
ये कैसे समझे, तो उसे समझने के लिए कथा को सुनना है। आधे लोगों में भ्रम है कि ये इंसान है और आधे लोगों में भ्रम है संत की वाणी, शिवजी की वाणी से कि ये ब्रह्म है, परमात्मा है।